जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। अब गांधी को मरना होगा। अब पता चलेगा आखिर क्यों की थी गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान को टक्कर देने रिलीज हो रही है एक और धमाकेदार फिल्म। फिल्म का नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। फिल्म के जरिए पहली बार दुनिया को पता चलेगी गोडसे की विचारधारा, आखिर गोडसे ने क्यों किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कत्ल। ये फिल्म महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की विचारधारा पर आधारित है। फिल्म के रिलीज से पहले ही इस फिल्म का कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस नेताओं ने गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म का विरोध करते हुए कहा कि भोपाल के किसी भी टॉकीज में फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने टॉकीज संचालकों को खुली चेतावनी दी है। सक्सेना ने कहा कि महात्मा गांधी के इतिहास के साथ किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध में सेंसर बोर्ड ने किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया है, यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये फिल्म पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होगी। फिल्म के जरिए पहली बार दुनिया को गोडसे के विचारों के बारे में पता चलेगा। लोगों को पता चलेगा कि आखिर गोडसे ने गांधी का कत्ल क्यों किया था। बता दें कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध रिलीज होने वाली है। इसकी भिड़ंत रिपब्लिक डे पर फिल्म पठान से होगी। संतोषी ने कहा कि मुझे डर था कि CBFC यानी कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म को पास नहीं करेगा। हालांकि CBFC ने फिल्म देखने के बाद इसमें एक शब्द का भी बदलाव नहीं किया है। वहीं मध्य प्रदेश में फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कांग्रेस खुलकर विरोध में उतर आई है। राजधानी में किसी भी सूरत में टॉकीजों में फिल्म को रिलीज नहीं होने की बात कांग्रेसी कह रहे हैं। इसके चलते भोपाल में फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला भी फूंका जा रहा है। बता दें कि फिल्म की कहानी भारत को मिली आजादी के इर्द गिर्द घूमती है। मेकर्स ने इस फिल्म के जरिए नाथूराम गोडसे का पक्ष भी रखने की कोशिश की है। संतोषी ने कहा कि इस फिल्म का विचार हमारे दोस्त असगर वजाहत के प्ले godse@gandhi.com से आया। हालांकि वो प्ले बहुत ज्यादा स्टेज पर नहीं हुआ। मुझे व्यक्तिगत लगा कि गोडसे का पक्ष पूरी तरह लोगों के सामने नहीं आ पाया है। गोडसे को फांसी दी गई, पर गोडसे को गांधी जी की हत्या का कदम उठाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा, ये लोगों को जरूर जानना चाहिए। राजकुमार संतोषी ने कहा कि मैंने फिल्म में किसी का पक्ष नहीं लिया है, मैंने सच को रखा है। गोडसे के रोल के लिए मेरी पहली पसंद सदा चिन्मय मंडलेकर रहे। मुझे मराठी एक्टर ही चाहिए था जिससे गोडसे के एक्सेंट में मराठी टच रहे। विष्णु करकरे के किरदार के लिए भी हमने मराठी एक्टर को ही लिया। इसके अलावा गांधी जी के लिए गुजराती एक्टर दीपक अंतानी को कास्ट किया है। बता दें कि हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पूरे 9 साल के बाद गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में इनकी बेटी तनिषा संतोषी भी बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। जानवी कपूर और खुशी कपूर की ये बेस्ट फ्रेंड हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। इन्हें कियारा अडवाणी का हम शक्ल कहा जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस फिल्म का ट्रेलर देखकर ये तय कर सकते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी है या फिर इसका विरोध करना है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।